जामुन का फल जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उतना ही जामुन का गुठली भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जामुन की गुठली सर्दी, खांसी, बुखार और त्वचा की समस्याएं जैसे चकत्ते और मुंह, गले, आंतों में अल्सर और मधुमेह में लाभकारी होता है। जामुन देखने में छोटे होते हैं और काले होते हैं, लेकिन यह आयुर्वेद के अनुसार जामुन के बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। जामुन के बीज, पत्ते तथा छाल सभी को औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदेमंद जामुन के बीज होते हैं। मधुमेह की चिकित्सा में सबसे ज़्यादा जामुन के बीजों का प्रयोग किया जाता है। यह पेट के कीड़ों को खत्म करता है और गठिया में भी फायदेमंद है। इसके फल सुगंधित तथा मीठे होते हैं। जामुन के गुठली के अनेक फायदे हैं। जामुन की गुठलियों को सुखाकर पाउडर बना लें और इसे गुनगुने पानी के साथ खाली पेट एक चम्मच लें। इससे शुगर लेवल ठीक रहेगा। जामुन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से रोकता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग भी होती है। जामुन खाने के फायदे तो आप जानते ही होंगे, तो चलिए आज जानते हैं जामुन के बीज से हमें क्या क्या लाभ होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक छोटी सी घंटी आएगी, उसे दबाकर आल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। कील, मुहासे और पिंपल्स में फ़ायदेमंद है जामुन के बीज। चेहरे के मुहासे के इलाज में भी जामुन का प्रयोग किया जाता है। जामुन के बीज को पीसकर इसमें गाय का दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और रात में सोने से पहले इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के थोड़ी देर बाद धोकर पोंछ लें। इससे कुछ ही दिनों में मुहासे ठीक हो जाते हैं। गैस की समस्या में फ़ायदेमंद है जामुन की गुठली। अगर आप गैस की समस्या से परेशान हैं तो जामुन के बीज का उपयोग आपको इस समस्या से भी राहत दिला सकता है। माना जाता है कि जामुन के बीज से निकलने वाले अर्क का इस्तेमाल कर गैस की समस्या से राहत मिल सकती है। जामुन की छाल और बीज का पाउडर पेट में गैस की समस्या को दूर करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह डायरिया, अपच और पेचिश के इलाज में भी बहुत प्रभावी है, इसलिए लोग पेट की समस्या से निजात पाने के लिए जामुन का उपयोग करते हैं। कब्ज की समस्या में फ़ायदेमंद है। कब्ज की समस्या से बचने के लिए जामुन के बीज का इस्तेमाल आपके काम आ सकता है, क्योंकि जामुन के बीज में क्रूड फाइबर की मात्रा पाई जाती है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार कब्ज की समस्या में क्रूड फाइबर आपको लाभकारी परिणाम दे सकता है। दांतों और मसूड़ों में लाभ। दांतों और मसूड़ों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी जामुन के बीज के फायदे देखे जा सकते हैं। जामुन के बीज में पाए जाने वाले कैल्शियम का सेवन करने से दांत मजबूत बने रहते हैं और इसका विकास सही से होता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन और खून निकलने की समस्या का इलाज भी जामुन के बीज में पाए जाने वाले विटामिन सी के द्वारा किया जा सकता है। पाचन क्रिया में फायदेमंद है। एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पाचन क्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए जामुन की गुठली का उपयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। जामुन के बीज में क्रूड फाइबर की मात्रा पाई जाती है। क्रूड फाइबर सेवन बेहतरीन पाचन क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ब्लड प्रेशर में फायदेमंद है। बढ़े हुए रक्तचाप को कम करने के लिए भी जामुन की गुठली के फायदे प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जामुन के बीज में एलेजिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। शोध में एलेजिक एसिड की मात्रा के सेवन करने से आश्चर्यजनक रूप से ब्लड प्रेशर में कमी देखने को मिली है। डायबिटीज में फायदेमंद है। डायबिटीज से बचने के लिए भी जामुन के बीज फायदेमंद है, क्योंकि जामुन के बीज में एंटी डायबिटिक गुड़ पाया जाता है। साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार किए गए एक वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि जामुन के बीज से बने सप्लीमेंट टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काम कर सकता है, साथ ही डायबिटीज से जुड़े जोखिम को भी कम कर सकता है। तो चलिए जानते हैं जामुन के गुठलियों के पाउडर कैसे बनाए जाते हैं। जामुन की गुठलियों का पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। जामुन खाने के बाद इसकी गुठलियों को अच्छे से धोकर साफ कर लें। इन्हें किसी हल्के कपड़े, काटन या फिर जार्जर से ढककर धूप में सुखा लें। 4 से 5 दिन तक इसे धूप में अच्छे से सुखा लें। इसे हमने 4 से 5 दिन तक अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अब इसे खलबट्टा या किसी भी भारी चीज़ से तोड़ लें और इसके अंदर के बीज निकाल लें। जब गुठलियाँ सूख जाए तो इसे टुकड़ों में तोड़ लें
और इसके बीज अलग कर लें। इसके लिए अदरक कूटने वाले खलबट्टे से आप इसे कूटकर छोटे छोटे पीस में कर लें। जब ये गुठलियाँ छोटे टुकड़े में टूट जाए तो इसे मिक्सी में डालकर पीसकर इसका पाउडर बना लें। इसे सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं। हालांकि आयुर्वेदिक सेहत पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी औषध को हमेशा किसी योग्य चिकित्सक की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। इसे किस मर्ज में कितना लेना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य कर लें। जामुन के गुठलियों के बहुत सारे फायदे हैं, आप इसे यूज करके इसके फ़ायदे अवश्य लें। लेकिन बस 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा हेल्प करें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।